नौसिया हो रहा है, दवाई दे देंगे ना यार कुछ। इनको आते आते थोड़ी मेरे ख्याल से सांस पे तक कहाँ पे, हाँ जी, फिर हाँ जी ना करके थोड़ा सा फाइटिंग होता है। ऊपर गया अभी क्या करता है। नीचे उतर जाए बिल्कुल। क्या हो रहा है? प्लीज लेट्स रीड। आगे आजा, आगे आजा। हेलो, आई एम ओके। शी वाज ऑलरेडी फीलिंग सिक। यू विल फील बेटर। आगे आजा। एंड आई वाज वरीड। गो अहेड। एक तो मेरी गाड़ी का हॉर्न नहीं चल रहा था, मैंने तारें जोड़ी। ठंड लग रहा है मेरे को, ज़्यादा ठंड लग रहा है पापा। और हम लोग चल पड़े। 8-9 घंटे का रास्ता था बारालाचला से। सरजू इससे भी ऊंचा है क्या? नीचे अभी सब नीचे है, अभी नीचे, इसके बाद है ऊपर नकीला पास आएगा और सब ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहेगा। पर एनीथिंग अबाउट व्हाट वी क्रॉस। सबको बातों में उलझा के रखा। प्रशांत और तांगलांग ला है, नाकी ला कितना है? 5000 और 5300। हमने क्या क्रॉस किया? 4850। लेकिन एक बात तो मैं जानता था कि इसकी तबीयत पक्का खराब होने वाली है। She was nervous। कल रात को नींद नहीं आई मुझे ठीक से, मैं तो सोया नहीं है 2 घंटे, एक आधा घंटा सोई होगी। उसके बाद आई केप्ट वेकिंग अप। आई नो यू वर मटरिंग समथिंग, मैं सोया नहीं एंड दिस एंड दैट। You were scaring Rishan in his sleep. वो बाल किसका था मालूम है? मंजुलिका का बाल था। क्या? वो बाल मंजुलिका का बाल था। कहाँ? हम बिस्तर पे। रोड का यही हाल है, आगे कि अच्छी हो जाएगी? इससे भी गंदी है। क्या बात कर रहे हो? फिरंग्स लगता है वहीं से पलट के चले गए। हाँ। जा भाई, जाने दे उसको। I hate it when people honk in such peaceful places. ऐसी तरह ना एक्सल टूटता, पलटती है गाड़ी। बस यूं ही बातें करते करते हमने काफी रास्ता काटा, उलझा के रखा बातों में। देखो भाई, हमने बारालाचला पास कर दिया, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई। हम मनाली में 2 दिन रुके, जिस्पा में 1 रात रुके, एंड वी आर एब्सोल्युटली फाइन। द ओनली थिंग वी डिड वाज सिपिंग वाटर। या वी केप्ट सिपिंग वाटर एंड अवॉइड हैवी मील्स। सिप कर लिया भाई पानी, पानी इसलिए सिप करने बोलते हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है एंड ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। दैट्स व्हाई यू ड्रिंक वाटर। हॉलिडे मेकर्स कैंप सो नाइस ना, ऐसा ही है। दिस सरचू, वी विल स्टे हियर। ब्यूटीफुल राइट? लैंडस्केप गॉड, इसलिए वो बोलता था सरचूज में फेवरेट करके। वो तो खुद कैंपिंग करता था। वी यूज्ड टू सेट अप माय गॉड, दिस इज वर्थ द स्टे यार। ये वहां पे भी है, मनाली में भी है इनका कैंप, गोल्ड रॉक कैंप्स। गोल्ड रॉक भी देखा था हमने, बेड रॉक एक आजू बाजू में ही है। गोल्ड रॉक नेटवर्क इन सर्चू इधर। हिमालयन शाकिया कैंप यहाँ पे भी नहीं मिला अपने को। मार्मोट सरचू। सरचू वाज ब्यूटीफुल यार। मौसम बहुत अच्छा था, सरचू बहुत खूबसूरत था। सरचू में भी कोई ब्रेथलेसनेस नहीं है भाई, हम तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका ट्रिक यही है कि हम लोगों ने बॉम्बे में बहुत कार्डियो किया है सब लोगों ने एज ए फैमिली, एंड वी रियली वर्क आउट वेल एट द जिम। ब्रेथलेसनेस नहीं थी लेकिन गला जरूर सूख रहा था। लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, हमने डायमॉक्स वगैरह कुछ नहीं लिया था, हमारी तबीयत बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। मुझे सिर्फ हल्का सा सर दुख रहा था। देखते हैं अभी अगले 2-3 पास में क्या होता है। God, still cold, huh? This is something. Just 6 degrees. Look at this, यार। दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता था, रास्ता बिल्कुल सीधा, ये पहाड़। I mean, it was so beautiful. It was like a different world altogether. पूरा मिट्टी का यार वो तो। ऐसे फॉर्म में फॉर्म हुआ। And there was pin drop silence. And मेरी गाड़ी Mitsubishi Pajero. Wow, is the word. बाप रे, कौन से जमाने का? वाव, डर लगा। आवाज सुन के नहीं? जब तक नीचे थे तब तक सब कुछ फर्स्ट क्लास था, सिर्फ एक गड़बड़ कर दी मैंने ज़बरदस्ती सबको कुछ खिला दिया है जो खाना नहीं था। सिर्फ पानी पीते, ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते चलते थे ना, सही होता था। बर्फ है क्या वो? पहाड़ दिख रहा है? पानी पी ले गोटू। हाँ? इसकी नौशिया की तो नहीं है तेरे पास, तू लाई अब ये ऑक्सीजन ले। नीचे अपन जाएंगे, थोड़ी पार्क कर लेंगे। सामने को मम्मी को सामने बैठने दे। यहाँ से उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई और मेरी चिंता बढ़नी शुरू हो गई। आ जाओ फटाफट, हेल्पर आउट। चक्कर आ रहा है क्या? बैठे बैठे चक्कर नहीं आते। चक्कर नहीं आ रहे ना? जैसे आप नीचे उतरोगे आ रहे हैं क्या? आपके कदम थोड़े डगमगाते हैं। पीछे बैठो यार जल्दी। ये अलग टाइप का चक्कर है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। सीट रिक्लाइन करनी है। आपको ऐसा लगा कि सड़क शिफ्ट हो रही है अपनी जगह से। आई वाज एब्सोल्युटली टेंस एंड इट वाज डिटेरियोरेटिंग। इसे जला दूं? शी वाज जस्ट नॉट कीपिंग वेल। कुछ खाना, चॉकलेट वॉकलेट कुछ खा ले। उल्टी आ रही है क्या? नौशिया लग रहा है मेरे को, उल्टी नहीं आ रही। सर ठीक है, ब्रीदिंग ठीक है, स्प्रे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्लोली वेट, झटके कम है ना सामने। पिछाड़ो बॉटल को जरा टेम की जगह पे रखो यार, पटक रहा बार बार। इट इज सो इरिटेटिंग है। वो फास्ट नहीं यार। फीलिंग बेटर विद दिस स्पीड? पानी थोड़ा सा पी, गुट नहीं आए, थोड़ा सा गुट सुप कर ले ब्रीदिंग के लिए। रफ पैच तक इसे चला लेते हैं, नहीं गरम हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, गरम हो रहा। मत खोलो, इसीलिए चाहिए। आ गए, नीचे आ गए, नदी यहाँ पे आ गई। कहाँ है यार आपका मोर प्लेन? डेटा आया क्या? देखो और कोई एस्केलेशन दहशत इतनी हो गई थी उसको कि बार बार यही पूछते थे कि और चढ़ाई है, और चढ़ाई है कि नहीं। मुझे थॉट कभी लगोगा वीडियोस में तो ये सब पूछते हैं। It's not about throwing tantrums. I can't take this kind of travel. मैं घर जा रही हूँ। I can't take this. Hotel Dragon Lale is only 118 kilometers now. 118. और ले 183 था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गूगल पे मेरे को नेटवर्क नहीं दिखा पर एक्चुअली 180। मुझे बहुत सारे फुटेज शूट करने थे लेकिन इस टेंशन में मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वो कैमरा जो मैंने ऑन करके रखा था वही था और जो भी फुटेज मिला आप लोग देख रहे हो। फिर क्या हो क्या रहा था? आवाज यार आपका मोरे प्लेन। You breathing through your nose only, right? No, elevation has not caused you that. That ghats have caused you. No, sir, I'm not mistaken. और एक तो गर्मी इतनी बढ़ गई थी, it was peak summer. आपको दिख रहा होगा कि धूप कितनी कड़क है। कोशिश तो यही थी कि कैसे भी करके पांग पहुँचें लेकिन इट वॉज ओनली गेटिंग डिफिकल्ट फॉर हर। मैंने गाड़ी भगानी शुरू की, उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो रही थी। थोड़ा स्ट्रेच कर ले, चढ़ाई होने से पहले भी थोड़ा चढ़ने वाला लगता है, थोड़ा स्ट्रेच कर ले। बाथरूम जाना है? हाँ बाथरूम जाना, चले जाए यार, बाथरूम होगा यहाँ पे। हाँ यार बैठे बैठे और तकलीफ हो जाएगी, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ बाहर करूंगी मेरे को इनके बाथरूम नहीं होता। एक मिनट थोड़ा स्ट्रेच होके ब्रेक ले लेता हूँ। बाहर नहीं जाना। क्यों? Just take me to the hotel now. We are about 2 hours away from the place. We're 15,280 feet. लेकिन मन ही मन मैंने सोच लिया कि इसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। एंड लकीली पांग में एक बहुत बड़ा आर्मी का कैंप था एंड द आर्मी इज मोर देन हैप्पी टू हेल्प पीपल। सो बिल्कुल आप लोग शर्माइएगा मत या घबराइएगा मत, गो स्ट्रेट टू द आर्मी कैंप एंड दे विल हेल्प यू। कुछ ऑक्सीजन चेक करा रहे हैं किशोर मामा को, कौशिया हो रहा है, दवाई दे देंगे ना यार कुछ। नहीं यार चलना। हाँ व्हाट देखा आई डोंट वांट टू करते ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आई वाज वरीड, मैं बहुत डर गया था। आई एम्बुलेंस फ्री है आपकी? देयर वाज नो हेल्प। और 2 घंटे हमको और ड्राइव करना था, 2 घंटे से ज़्यादा लद्दाख पहुँचने में। और मैं ये भी जानता था कि ये चढ़ाई चढ़ के उतरेंगे तो ठीक हो जाएगा। इनको आते आते थोड़ी मेरे ख्याल से सांस में कहाँ पे, हाँ जी, फिर हाँ जी, थैंक यू। बस उनके कैंप के पास मैं गाड़ी लेके गया, गाड़ी लगाई, मैं गाड़ी में बैठा रहा, मुझे अलाउ नहीं किया, मेरा बेटा लेके गया, मेरी वाइफ को ऑक्सीजन चेक किया, इट वाज नॉर्मल, ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल, उल्टी की दवाई दी, नींद की दवाई दी, एंड हम लोग चल पड़े और वो सो गई। द फाइनल रोड टू लद्दाख। और उसके बाद जो मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई है लेह तक, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप। मेरा भी सर फट रहा था। देख, वो 2 घंटे आराम से सोई है। मोर प्लेन्स, 15,000 फीट के ऊपर दोनों तरफ डेजर्ट, कैन यू इमेजिन। But I don't know, my headache is possibly because of lack of sleep. बस कैसे भी करके तंगलंग ला पहुंचे और वहाँ जाके उसकी आँख खुली and she felt better. So here we are finally in Ladakh. But एक बार लद्दाख पहुंचे, she started feeling better. होटल पहुंच गए, नहा धो के फ्रेश हो गए, एंड थैंक गॉड ही वाज एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज ऑसम प्लेस, द ग्रैंड ड्रैगन। खाना देख के हमारा सारा टेंशन दूर हो गया। शी वाज स्टिल फीलिंग वीक दो। और लद्दाख के बाद कश्मीर का रास्ता लेके हम लोग वापस आएंगे। लद्दाख, कश्मीर, अमृतसर, चित्तौड़गढ़, फिर बॉम्बे, ये सब आपको मैं अगले आने वाले एपिसोड्स में दिखाऊंगा। थैंक यू गाइस।